करण कुमार ठाकुर आपको कौन है? बेटा। बेटा है? तो आपका बेटा इतना घटिया काम क्यों किया? ये हमको पता नहीं। नहीं पता? नहीं। क्या आपका बेटा इस कांड में शामिल है? नहीं। तो आप क्या चाहते कि लड़की वापस आए? हाँ, हम भगवान से कह रहे हैं कि ऊपर वाला हाथ जोड़ के कह रहे हैं कि लड़की कहीं भी हो चला आवे। लड़की आप ही के बेटा के नंबर पे क्यों फोन करेगी? क्यों फोन करती है? अब लड़की बतावे क्यों फोन की, फसावे लगी फोन की, कहाँ फोन की, अब वो लड़की जाने प्यार मोहब्बत के यही अति हो गया। क्या बोले, ऐसे तो कोई फोन नहीं कर सकता है कोई लड़का लड़की। तो भाई बहन वाला बात मानो कहते हैं कि जैसे आदमी टोला मालूम रहता है बात नहीं करता है, तो गलत से आदमी बात करता है। बात करने के लिए तो भाई बहन बात करेगा तो 112 आ जाएगा पकड़ने के लिए। 112 आ जाएगा तो अब ये बात हम नहीं जानते कि एक लड़की साथ होगा। मतलब पहले बात हुआ था, जब तक पुलिस आया था ना घर पे, एक बार ले गया था तेज कारण मेरा बंद कर गया था बात करने के लिए। पहले बातचीत करता था? पहले बात करता था। हम तो, मेरा बेटा निर्दोष है, मैं तो जानती हूँ, बस मेरा बेटा निर्दोष है। क्या आपका जो बेटा है इस तरह का काम पहले भी कभी किया है क्या, लड़कियों को छेड़छाड़ करना वगैरह? नहीं सर, ये सब कहीं नो नहीं किया। प्यार मोहब्बत था दोनों में? नहीं सर, ये सब कुछ नहीं जानते हैं सर। आप झूठ बोल रहे हैं। जिस तरह से आपके ऊपर बीत रहा है, दोनों बच्ची के माता पिता परिजनों के ऊपर भी तो बीत रहा होगा। हाँ, एकदम बीत रहा होगा। आप क्या चाहते हैं कि उनकी बच्ची वापस आए? हम चाहते हैं कि उनकी बच्ची वापस आ जाए। अभी मैं बिहार के गया जिले के प्रखंड बाराचट्टी के शर्मा बाजार में मौजूद हूँ। यहाँ पे दो लड़कियों का लापता हो जाने का खबर पिछले बीते दिन 20 सितंबर 2024 की दो लड़की यहाँ से लापता हो चुकी है। दोनों बच्चियों का कोई अता पता नहीं चल रहा। 5 दिन बीत चुके हैं, 5 दिन। पुलिस प्रशासन किस प्रकार से काम कर रही है वो आपको दिख ही रहा होगा। बच्चियों को अब तक मिल जाना चाहिए था, लेकिन अभी तक बच्चियों को कोई अता पता नहीं है। इसी मामले में तीन आरोपी को गिरफ्तार किया गया है, जिसमें मुख्य आरोपी है करण कुमार ठाकुर। अभी जो प्रशासन की यह खबर है कि जांच के दौरान दोनों लड़कियों को गया जंक्शन पे प्लेटफॉर्म नंबर 7 पे देखा जाता है, सीसीटीवी फुटेज कैमरा में देखा जाता है दोनों लड़कियों को। उसमें एक अधेड़ उम्र के व्यक्ति जिनकी उम्र लगभग 50 से 55 वर्ष है, वो दोनों लड़कियों के साथ में देखे जाते हैं। अब वो व्यक्ति कौन है उसकी अभी जांच चल रही है, अभी तक पुष्टि नहीं हो पाई है। क्या नाम हुआ आपका? इंदू देवी। इंदू देवी जी। करण कुमार ठाकुर आपको कौन है? बेटा। बेटा है? हाँ। तो आपका बेटा इतना घटिया काम क्यों किया? ये हमको पता नहीं। नहीं पता? नहीं। क्या आपका बेटा इस कांड में शामिल है? नहीं। आपका बेटा नहीं, को बेटा शामिल नहीं है। नहीं है? नहीं। पुलिस तो उठा के ले गई। पुलिस शख्स ने ले गई। शख्स ले गई? आपके बेटे के नंबर पे लगातार फोन आ रहा है, आप कह रहे हैं कि क्या सच्चाई है? हम नहीं जानते सर। वो लड़की लोग आप ही के बेटे के नंबर पे क्यों फोन की? इसको जांच पड़ताल करिए, हम नहीं जानते। आप एक माँ है, आप अपने बच्चे को नहीं जानते हैं कि मेरा बेटा किस तरह का है? हम तो, मेरा बेटा निर्दोष है, मैं तो जानती हूँ, बस मेरा बेटा निर्दोष है। क्या आपका जो बेटा है इस तरह का काम पहले भी कभी किया है क्या, लड़कियों को छेड़छाड़ करना वगैरह? नहीं सर, ये सब कहीं नहीं किया। तो लड़की लोग आप ही के बेटा के नंबर पे क्यों फोन करती है, क्या वजह है? वजह क्या है, प्यार मोहब्बत के यही अति हो गया। क्या बोले, ऐसे तो कोई फोन नहीं कर सकता है कोई लड़का लड़की। तो आप ही को, तो आप ही को बेटा को फोन करती है, पुलिस उठा के आपको बेटा को ले गई है। तो आप लोगों को तो पता होना चाहिए कि आपका बेटा यहाँ पे नानी घर में रह के कर क्या रहा है, किस लिए यहाँ पे भेजे थे बेटा को? पढ़ने के लिए, यहाँ यही पढ़े करता था, जमा यही पढ़ा, यही पढ़ रहा। पढ़ते पढ़ते प्यार मोहब्बत करने लगते है। अब कौन किया, अब ना किया, प्यार मोहब्बत। एक मिनट, थोड़ा सा बाबू, कौन हुए आप? मामा हुए। क्या नाम आपका? सुजीत कुमार। आपका भगना यहाँ पे बहुत सालों से रह रहे थे, तो किस किस तरह का उनका नेचर था, क्या क्या कांड अभी तक वो कर चुके हैं? वैसा तो कांड अभी तक कुछ नहीं हुआ है सर। ये कांड में किनका हाथ है? क्या चीज? ये जो कांड हुई है, दोनों लड़कियों जो लापता है, आपके भगना के नंबर पे फोन आ रहा, करण कुमार ठाकुर के नंबर पे तब फोन आ रहा, तो यह भी मालूम नहीं है कि फोन मतलब कैसे पता चला, थाना से टाइप करके
कि इसका मोबाइल पर फोन आता था। पहले भी जो लड़की के जो पिताजी हैं धनंजय पांडे उनका नाम है, उनसे आपका विवाद हुआ था, आपका भगना का विवाद हुआ था, लड़ाई झगड़ा पे उतारू हो गए थे। एक मिनट, पुलिस की टीम 112 की टीम आती है, आपको भगना को गिरफ्तार कर लेती है। विवाद हुआ था लेकिन इतना विवाद नहीं हुआ था, आपस में फिर हम लोग आती मतलब मैटर सोल्व हो गया। क्या मामला था उस समय? उस समय था कहीं पर लड़का जैसे बैठा था, करण जो भगना है, क्या लड़की को छेड़छाड़ करता था? नहीं, वहाँ पे कोई छेड़खानी नहीं था, वहाँ पे 10 गो लड़का बैठा था। अच्छा एक बात बताइएगा, अगर उनको लड़की को छेड़छाड़ नहीं करेंगे तो उनके पिताजी आकर के आपके भगना को डांट सर जो भी आपसे क्यों मतलब इस तरह का बात करेंगे? जैसे शक के कुछ तो गलत देखे होंगे आपके भगना को, शक के आधार पर मतलब किए हैं। सिर्फ शक? जी, देखे कुछ नहीं होंगे? नहीं, वैसा कोई बात नहीं। तो ठीक है, आप शक बोल रहे हैं, तो आप ही के भगना के नंबर पर क्यों फोन आता? फिर फोन आता अभी ये मालूम नहीं है कि फोन करता था, का करता था, ये सब मालूम नहीं है। आपको पता होगा कि आपका भगना यहाँ पे रह के किससे क्या? पूरा पता रहता तो हम यहाँ रहने नहीं देते। पहले प्यार मोहब्बत में बात होती थी, अब लड़का लड़की अब कैसे बात किया है ना किया ऐसे जानकारी है ये नहीं। पहले लेकिन बात होती थी? बात हुआ है, पहले बात हुआ। कितना महीना लगभग? वो तो लगभग 6-7 महीना पहले की बात है। ये जो घटना घटी है, दो बच्ची लापता हुई है, इसमें कहीं करण का मिली भगत साजिश तो नहीं? नहीं सर, ये बिल्कुल गलत है। करण खुद घर पे रह गए, अधेड़ उम्र का व्यक्ति कैमरे में देखे जाते हैं। वही तो बात है सर कि करण शायद करण प्लान बनाए होंगे। नहीं सर, ये सब गलत बात है। तो आखिर वो 50 साल के जो व्यक्ति लगभग दिख रहा है वो है कौन? अब यह हम लोग का कुछ पता नहीं है, अजनबी होगा का होगा ये सब मतलब नहीं है हम लोग के। हम तो यही कह रहे हैं कि लड़की कहीं भी हो, लड़की सही सलामत चला गए। हम लोग कैसे सही सलामत आएगी लड़की? प्रशासन को नहीं मिल पा रही है, प्रशासन लगातार अपना प्रयास कर रही है लेकिन इसमें कहीं ना कहीं साजिश है, क्योंकि आपका भगना भी यही है, आपका भगना बोल रहा है चाहे अभी बोल रहा है कि शामिल नहीं है, और आपके भगने के नंबर पर फोन आ रहा है, आपके भगने को दोस्त लोग को गिरफ्तार किया गया है। ये सब हम लोग के जानकारी नहीं है सर, समझे फंसावल गया है और कोई अति नहीं जानते हैं हम लोग। आप क्या चाहते कि लड़की वापस आए? हाँ, हम भगवान से कह रहे हैं कि ऊपर वाला हाथ जोड़ के कह रहे हैं कि लड़की कहीं भी हो चला आवे, हम लोग के भी मतलब टेंशन मुक्त। अच्छा एक बात बताइए, आप भगवान से तो हाथ जोड़ दिए, आप अपने भागना से हाथ जोड़ दीजिए एक बार। क्या चीज जोड़ लें? भागना से विनती कर लीजिए। क्या चीज? हम अपना भागना के हम भी अति करेंगे, समझावेंगे, बुझावेंगे, हाथ जोड़ेंगे। क्या भागना से आप विनती कीजिए, हाथ जोड़िए भागना से कि अगर तुम इसमें इन्वॉल्व है तो बच्ची को सही सलामत घर वापस ला। बहुत तरह के हुमा से पूछल गया प्रक्रिया में कि है तो कुछ बताओ, तू बोलता हम कुछ नहीं जानते। नहीं जानते, नहीं जानते। थोड़ा सा इधर आइए कैमरा मैन। आपका क्या नाम हुआ? रिंकी कुमारी। करण के कौन हुआ? मामी। क्या क्या बात आपको बताया आज तक? नहीं सर, कुछ नहीं सर। तो उस लड़के का फोन आप ही के भगना के नंबर पर क्यों आता है? क्या मामला था पहले का? ये तो हम नहीं जानते। देखिए आप साफ जानते हैं? नहीं सर, कुछ नहीं जानते हैं सर। पहले क्या बातें होती थी फोन पे? फोन पे पहले क्या होता था नहीं होता था ये सब कुछ नहीं जानते। कितना फोटो साथ में देखे थे आप? फोटो भी नहीं देखे थे हम, आज तक तो चिन्ह भी नहीं किया सर कि कौन लड़की। बातें होती थी, कहीं बताया था आपको? नहीं सर। ये तो बोल रहे हैं कि बात होता था, आपके पति है? मेरा पति जो है तो ये जानते हैं, हम कुछ नहीं जानते हैं सर, ये तो इधर वाला मैटर। आपका भागना के नंबर पे, आपके भागना के नंबर पे क्यों फोन करती थी लड़की? अब ये क्यों फोन करती थी नहीं करती थी? कोई अनजान लड़की अनजान लड़के के नंबर पे क्यों फोन करेगी? हम नहीं जानते हैं। आपका भगना आज तक कितना सारा कांड इस एरिया में? कुछ नहीं किए हैं सर। कुछ नहीं? कुछ नहीं सर। कुछ नहीं? कुछ नहीं। थोड़ा सा आइएगा इधर कैमरामैन। एक बात बताइएगा कि आपका बेटा को मुख्य आरोपी बनाया गया? हाँ, आरोपी बनाया गया। लड़की आप ही के बेटा के नंबर पे क्यों फोन करेगी? क्यों फोन करती है? अब लड़की बतावे क्यों फोन की, फसावे लगी फोन की, कहाँ फोन की, अब वो लड़की जाने। आपका जो भाई है, ठीक है, उनका कहना है कि पहले भी दोनों में बातचीत होता था। हम नहीं जानते हैं पहले में बातचीत, हम यहाँ रह भी नहीं करते थे। तो एक बात बताइए कि अनजान लड़की किसी अनजान लड़के के नंबर पे क्यों फोन करेगी, वो भी दूसरे से मोबाइल मांग करके? आपका बेटा का नंबर उसको याद होगा या उस रखी होगी तभी ना? पता ना, किसी से मांग के फोन की कि नंबर रख लेती, अब हम नहीं जानते इसे। आपका बेटा का ही क्यों आरोपी बनाया गया? अब वो लड़की समझे का आरोपी बनाया बनायु। अभी तो आपका बेटा पुलिस प्रशासन के कब्जे में है। पुलिस प्रशासन के कब्जे में? आपके ऊपर
क्या बीत रहा है? अब एक बात बताइए, जिस तरह से आपके ऊपर बीत रहा है, दोनों बच्ची के माता पिता परिजनों के ऊपर भी तो बीत रहा होगा। हाँ, एकदम बीत रहा होगा। आप क्या चाहते हैं कि उनकी बच्ची वापस आए? हम चाहते हैं कि उनको बच्ची वापस आ जाए, बस हम और कुछ नहीं कहते, भगवान से यही गुहार कर रहे हैं, भगवान कैसे लड़के दोनों वापस आ लावे। लेकिन इसमें तो मामला आ रहा है आरोपी का, मतलब समझते हैं कि आरोपी शायद उस गुनाह में, उस कांड में शामिल है। नहीं, हमको बेटा नहीं शामिल है, हमको बेटा नहीं शामिल है। आपका बेटा नहीं शामिल? नहीं, हमको बेटा नहीं शामिल है। अगर आपका बेटा दोषी पाए जाते हैं तब आप एक्सेप्ट करेंगे ना कि आपका बेटा? हाँ, एक्सेप्ट करेंगे ना, मेरा बेटा दोषी पाया जाता है। आइए, थोड़ा सा इनका हालत काफी खराब हो चुका है, इतना थोड़ा इनसे बातचीत करते हैं। भाई थोड़ा सा नहीं दिखाइएगा, क्या नाम हुआ आपका? बिंदु देवी। करण कुमार कब कौन हुए? बहन मौसी। मौसी हुए जी। करण किस प्रकार का लड़का? अच्छा लड़का था, खराब लड़का नहीं था। तो ऐसा कांड क्यों कर दिया? लड़की फंसा रही है, लड़की फंसा रही है तो कौन फंसा रहा? लड़की अगर इसको भागने के लिए तीर लगे ही भागता, काहे दूसरा लड़की लेके भाग गया, ये भी यही लेके भाग जाता। लड़की फंसा रही है? तौर का लड़की फंसा ही रही है। आप कैसे कह सकते हैं लड़की फंसा रही है? मैंने ये लेके भाग जाता सर, जब वो प्यार मोहब्बत करता तो ये लेके भागता, दूसरा कोई लड़का लेके कहा भाग गया था, नहीं लेके भागना चाहिए था ना। साजिश भी तो हो सकता है, ऐसा थोड़ी है, मतलब सीआईडी मन में आती है। नहीं, इस कैमरे में देखा गया दोनों लड़कियों, प्यार मोहब्बत तो एक लड़की से होगा, दो दो लड़की को? एक लड़की को ले गई है ना, धनंजय सर की बेटी ले गई है। आपका जो भगना करण, ठीक है जी, तो करण प्यार मोहब्बत का जो मामला हो किसी एक लड़की के साथ होगा, दोनों लड़की के साथ? मानते हैं कि एक लड़की के साथ होगा, मगर पहले बात हुआ था, जब तक पुलिस आया था ना घर पे, एक बार ले गया था तेज करण मेरा बंद कर गया था बात करने के लिए। पहले बातचीत करता था? पहले बात करता था, मगर जैसे पुलिस आया दरवाजा पर तेज चेतावनी दिया गया था और जैसे बंद कर दिया था। 21 तारीख को फोन आया, 20 तारीख की लड़की जो भाग रही थी, करण इतना तक बोला कि भाग रहे थे, भाग जाओ, हमको कौची कह रही है, तो अपने गार्जियन के कहो। कितने दिनों से करण की बात हो रही थी उस लड़की? कितना दिन से हो रहा था ना हो रहा था हम नहीं जानते, लेकिन आप लोग को पता था? हाँ, हल्का फुल्का पता था। उसी के चलते विवाद हुआ था? हाँ, उसी के चलते विवाद हुआ था। पुलिस विवाद हुआ क्या हुआ सब नहीं जानते, सोल्व हो गया, पहला ही नहीं हुआ था, सोल्व हो जाता तो इतना बड़ा घटना आज नहीं घटती। तो दरवाजा पर पुलिस आया, सोल्व हो गया था सर, अब नहीं कुछ जानते हैं। नहीं जानते? नहीं। करण दोषी है? दोषी है? करण दोषी नहीं, निर्दोष है। दोषी है कौन? अब कौन है ना है सब हमको क्या पता है? नहीं पता है? नहीं पता। ऐसा तो नहीं है कि आप लोग अपना करण को बचाने का प्रयास? ऐसा बात नहीं है सर, समझे कि हम यहाँ बचा लेंगे मीडिया। आप कौन हुए? हम इनका करण के मामी हुए। मामी हुए? हाँ। करण किस प्रकार का कांड हमेशा करता था? जे हम रहवे नहीं करते थे, बाहर रहते हैं। अच्छा। हम यहाँ नहीं रहते थे, बाकी साल भर 6 महीना में चाहे 2 महीने में माता आना जाना करते हैं, तो इतना जानते हैं कि मेरा लड़का अच्छा है। अच्छा, तो अच्छा लड़का है? हाँ। तो लड़की से बात करेगा? लड़की से बात कहाँ हम करते देखे हैं। तो बोल रहे हैं कि हम लोग पता था। अब माहौल में टोला महल में रहेगा तो एक कोई जरूरत है कि गलती से बात करता है, ऐसी नहीं बात करता है। एक बात बताइए, आप लोग कौन सी जाति के हैं? हम लोग तो ठाकुर हैं। और लड़की कौन सी जाति के हैं? पंडित है। तब मतलब कि भाई बहन वाला बात हो रहा था? तो भाई बहन वाला बात मानो कहते हैं कि जैसे आदमी टोला मालूम रहता है बात नहीं करता है, तो गलत से आदमी बात करता है। बात करने के लिए तो भाई बहन बात करेगा तो 112 आ जाएगा पकड़ने के लिए, 112 आ जाएगा। तो अब ये बात हम नहीं जानते हैं। तभी भाई बहन कैसा बोलती है? हम तो बाहर रहते हैं, तो भाई जानते हैं कि ननिहाल मेरा लेकर रहता है, तो सबसे आदमी आपका लड़का गलत नहीं है कहीं? ना, हमारा लड़का गलत नहीं है, कहे कि हम आते हैं तो हमारा लड़का सब साथ में बैठते हैं, बोलते हैं, हमारा लड़का रिश्ता में मामी लगते हैं, कहने कुछ नहीं बोला है। दो लड़की है, पिछले 5 दिनों से लापता है, अभी तक कोई अता पता नहीं चला है। अगर जितने भी आप लोग देख रहे हैं, आप लोग इस वीडियो को इतना ज्यादा शेयर कीजिए कि ये वीडियो पूरे देश में पहुंच सके, और दोनों बच्ची के परिवार के जो माता पिता परिजन सारे रो रहे हैं, बिलख रहे हैं, भूखे प्यासे तड़प रहे हैं, उन लोग को आत्मा का शांति मिल सके, उन लोग का जो कलेजा का टुकड़े है दोनों बच्ची वो वापस आ सके। आप लोग इस वीडियो को ज्यादा शेयर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।